आदरणीय देवियों सज्जनों, जिनके नेतृत्व में खनिज संसाधन एवं श्रम विकास मंत्रालय का काम विधिवत एवं सुचारू रूप से चल रहा है, अपने अनुभव एवं अपने कार्यों से प्रदेश को विकास के नवोन्मेष प्रदान करने वाले माननीय मंत्री खनिज एवं श्रम विभाग श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से अब मैं आग्रह करती हूं, इस बेहद खास मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। बोलो भारत माता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे जननायक, सबके दिलों में राज करने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया, जो निरंतर 15 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और जन जन के बीच में उन्होंने अपना स्थान अर्जित किया है, ऐसे प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के आज पन्ना में आप पधारे हैं उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय और कुशल संगठक, ओजस्वी नेता, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिनके साथ अभी हमें काम करने का मौका मिला, ऐसे क्योंकि वो यहाँ के हमारे सांसद भी हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें माननीय हमारे वीडी शर्मा जी का। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथी भाई, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य दे रहे थे, ऐसे हमारे आदरणीय प्रभु राम चौधरी जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री और आप सबके पालक मंत्री आदरणीय कावरे जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रविराज जी, और सभी हमारे, क्योंकि हमारे अतिथि काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी वरिष्ठ नेता और हमारे सामने विराजमान जनता जनार्दन, सभी का इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको विदित है कि हमारी पन्ना एक सिर्फ हमारा एक पन्ना शहर नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जिसको हम एक धाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किशोर जू की नगरी है। और आज इसलिए मेरा सौभाग्य है, हमारी पूरी जनता का सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच में विराजमान हैं, और उन्होंने हेल्थ सेक्टर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन्होंने पन्ना को चुना है, पन्ना से उन्होंने सेवाएं दूसरे जिलों में देने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज पन्ना में हमारी पन्ना को चुना है। यहाँ से आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पन्ना हीरों की नगरी तो है ही है, मंदिरों की नगरी तो है ही है, तालाबों की भी नगरी है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पन्ना निश्चित रूप से, आपने जब से यहाँ पे मुख्यमंत्री आपने पद संभाला है, हमारा मध्य प्रदेश तो ऊंचाइयों पे गया ही है, साथ में आपने पन्ना जिले में भी बहुत से ऐसे विकास के काम किए हैं जो आज तक कभी पिछली सरकार ने नहीं किए। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे जिलों से थोड़ा सा तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसा और लगता है कि पन्ना में कुछ गुंजाइश काम करने की और है। और जब हमारा मुखिया हमारे सामने हो और जो देने वाला हो, तो फिर लेने वाले को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं विनम्रपूर्वक आग्रह भी उनसे करना चाहता हूं कि आपने पन्ना में बहुत सौगातें दी हैं, निश्चित रूप से हम बहुत आभारी हैं। आज हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क यहाँ पे बना हुआ है, आज इसने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, लेकिन उससे हमारी कुछ जो हमारी रोजगार के साधन थे, चाहे वो हीरा का हो, फर्सी पत्थर का हो, वो हमारे छिने हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि आप भी पारिवारिक रूप से हमारे नेशनल पार्क में घूमने आए थे, और इसलिए अभी आज जो नेशनल पार्क का इस्तेमाल हो रहा है, गेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो छतरपुर लगी हुई सीमा से हो रहा है, मरला से हो रहा है, इसलिए वहाँ के लोग पोषित हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस गेट से आप, ब्रह्मपुरा गेट से आपका जाना हुआ था, वो अमानगंज रोड में है,
यदि वो रोड, यदि वो गेट संचालित हो जाएगा तो यहाँ पन्ना नगर वासियों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पे लोगों को काम काफी मिल जाएगा। आज हम ये भी मानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से सिर्फ हमारा नेशनल पार्क भर नहीं है, यहाँ पे राम पथ गमन में आपके नचने हैं, बृहस्पति कुंड है, सारक धाम है, जो कि आपने रथ राम पथ गमन में ले रखा है, और इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से भी आज यहाँ पे आपका कौआ सेहा है, लखनपुर आपका सेहा है। तो इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि आपका खजुराहो से कालिंजर तक का एक ऐसा टूरिस्ट सर्किट बने जिसमें ये हमारे पर्यटक स्थल सब आ जाएं और यहाँ लोग बाग आने लगें, हमारे मंदिरों में भी आने लगें, हमारे हीरा की नगरी में भी आने लगें, जिससे लोगों का जो रोजगार गया है वो कहीं ना कहीं उसको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिल पाए। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, निश्चित रूप से आपने बहुत दिया है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही थी, निश्चित रूप से वो क्रियान्वित होगा, मुझे तो उसमें शकी नहीं है। आज यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत पुराना है, उसमें आपके द्वारा सिविल और मैकेनिकल के ट्रेड भी मंजूर कर दिए गए हैं, उसमें सिर्फ मेरा आपसे आग्रह है उसको क्रियान्वित करवा दिया जाए, और इसलिए जिससे यहाँ के लोग उसका लाभ ले सकें। आज हम हेल्थ सेक्टर में जाएं, हेल्थ में निश्चित रूप से पन्ना में दवाई के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। आप पिछली बार आए थे, 100 बिस्तर आप बढ़ा के गए थे, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, और उस समय जब मांग की गई थी, और हमारी पूरी जनता आपकी आभारी है कि वो हमारे 200 से 300 बिस्तर आप बढ़ा के गए थे, क्योंकि देने वाले आप ही हो, किसी ने दिए ही नहीं है, और इसलिए आपसे मांगने के लिए हम लोग साहस भी करते हैं, और इसलिए आज वो अस्पताल संचालित हुआ है। लेकिन उसके साथ हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूर्ति कर दी जाए, जिससे कि जो भी हमारे आज सीटी मशीन, आप स्कैन मशीन का आप लोकार्पण आपने किया, सीटी मशीन की जो चाहत थी वो आप आज देके जा रहे हो, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं, क्योंकि कोविड काल में सीटी मशीन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों के बीच में पड़ी थी, और इसलिए आज उसके लिए भी हम धन्यवाद आपको जनता की तरफ से देना चाहते हैं। आज हमारी कुछ और मांगे हैं, हम चाहते हैं कि अजयगढ़ में एक अस्पताल खुले, हमारे धर्मपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले, आपके जो पहाड़ी खेरा है या आपका नर्दा है जो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, जो उपस्वास्थ्य केंद्र है उसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हमें दर्जा दें, क्योंकि हमारा ये आग्रह है कि अभी कोविड काल में जो आपने सूची मंगाई थी उसमें से प्राथमिकता तौर पे पहले साल में ये सब जुड़े हुए हैं, आपकी थोड़ी सी स्वीकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दिशा में हमारे कई लोगों का इसका फायदा हो जाएगा। आज शिक्षा की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, खोरा धर्मपुर आपका ब्रजपुर, वहां पे हमें कॉलेज दें जिससे कि वहां के बच्चों को वहां की सुविधा मिल सके, वहां पढ़ाई लिखाई उनकी हो सके, क्योंकि यूपी हमसे लगा हुआ है। आज आपने रोडें भी बहुत दी हैं, आपने रेलवे लाइन भी हमें स्वीकृत की है, रेलवे लाइन भी चालू है, आज हमारे यहाँ पे NSA भी बहुत काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से आप दानी हो, आप दे रहे हो, लेकिन मांगने की भी इच्छा होती है, हमारे छोटे छोटे से काम है, आपने हरनामपुर का, आपके वहां पे हरनामपुर से भकरी का आपने पुल बनवा दिया, आपने गुमानगंज से चंदला के बीच में पुल बनवा दिया, लेकिन उनकी अप्रोचेस नहीं बनी है, वो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनकी जो रोड बची है वो आप बनवा दें तो वहां के अजयगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि अजयगढ़ में हमारा कॉलेज खुला है, लेकिन वहां पे आर्ट और साइंस की जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की हमारी जो संकाय बढ़नी चाहिए वो नहीं है, इसलिए यदि आप वो स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे यूपी से लगे हुए क्षेत्र को बहुत लाभ मिल जाएगा। आज आपसे आग्रह ये भी है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने, क्योंकि हमारी सरकार ने और माननीय सांसद जी ने जब आपके नागरिकता संशोधन कानून हुआ था तो बंगाली समाज के बीच में वो गए थे, और आपके द्वारा भी जब आपकी विजिट हुई थी कहीं ना कहीं आपने भी उस बात को आश्वस्त किया था कि जो हमारी बंगाली समाज लंबे समय से यहाँ पे निवासरत है, 50 साल से हो गए हैं, पुनर्वास के उन्हें पट्टे भी दिए गए हैं, निवास के पट्टे, आवास के पट्टे भी दिए गए हैं, लेकिन स्वामित्व तो आज तक उनको नहीं मिल पाया है, इसलिए जो आप 15 साल से शासन की योजनाएं दे रहे हो उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ
कि ऐसे 150 लोग हैं, उनको स्वामित्व दे दिया जाए, जमीन उनके पास है, पट्टा पुनर्वास का उनके पास है, स्वामित्व यदि आप दे देंगे तो निश्चित रूप से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। आज हमें जरूरत इस बात की भी है कि हमारे यहाँ पे जंगल सी लगी हुई सीमाएं हैं, हमारे यहाँ पे करीब 200-250 गांव ऐसे हैं जो जंगल की सीमा और रेवेन्यू की स्पष्ट डिमार्केशन न होने के कारण परेशान रहते हैं। हमारा आपसे आग्रह यह है कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि फॉरेस्ट और आपके राजस्व की जमीनों का सीमांकन हो जाए, जिससे किसी को प्रताड़ित न किया जाए जंगल विभाग के माध्यम से, किसी की आवाज उस किसी की जमीन न छुड़ाई जाए, किसी के POR न काटे जाए, किसी के रास्ता न किए जाए। इसलिए आप एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यदि आप यहाँ दे देंगे तो हमारा सीमा का विवाद भी हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ मूल रूप से हमारा रोजगार रहा है वो रहा है खदानों का, हीरा की खदान हो या फर्सी पत्थर की खदानों हो। हमने जिला के जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, मैंने DFO साहब से माइनिंग अधिकारियों को बिठाल के, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का साधन कुछ बचा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब डिमार्केशन होना ही है तो उसके साथ साथ कुछ जमीन ऐसी आरक्षित कर दी जाए जिससे यहाँ का जो रोजगार चला गया है, चाहे वो हीरा खदान का हो चाहे फर्सी पत्थर का हो, वो रोजगार इनको पुनः वापस मिल जाए, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। हमारा आपसे आग्रह एक और है, आपने नायब तहसीलदार की नियुक्ति है, हमारा नायब तहसीलदार हमारा जाता भी है धर्मपुर में, पर स्टेट टाइम में वो तहसील मुख्यालय रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी तहसील की घोषणा आप करने की मुख्यालय बनाने का काम करें, जिससे तहसीलदार वहीं बैठे और वहीं से लोगों का निदान करे। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने 220/132 KVA का पावर स्टेशन दिया है, अजयगढ़ क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है, आपकी ऋणी है, क्योंकि आप उस समय बोल के गए थे तो निश्चित रूप से वो आज हमें मिला है, क्योंकि वहां पे लो वोल्टेज की समस्या हरदम रही है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, आपने यूपी से लगी हुई जो नहर पट्टी है जिससे 50 पंचायतें हमारी जुड़ती थी, वो यूपी सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन आपने यूपी के मुख्यमंत्री से बात करके वो परमिशन दिलाई है, और बहुत जल्दी मुझे भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो 45 किलोमीटर की रोड भी आपकी तीसरे फेज में मंजूर हो जाएगी, और इस निश्चित रूप से आपकी जनता, अजयगढ़ क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आभारी है, आपकी ऋणी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो सौगातें आप दे के जा रहे हो, निश्चित रूप से सौगातें वही देता है जो देने वाला है, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या देगा। और इसलिए आज जब मुखिया हमारे बीच में विराजमान है तो मांगने वाले को भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने मंत्री की हैसियत से आपसे मांग नहीं की, एक विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपसे हमने मांग की है, और इसलिए मेरी जो मांगे हैं, छोटी छोटी सी मांगे हैं, वो आप स्वीकार करें। एक और थोड़ी सी आखिरी बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि हरसा बगवाहा रोड है एक, वो निर्मित हो गई है आपके द्वारा, अनुशंसा वाइल्ड लाइफ बोर्ड से प्रदेश सरकार के द्वारा अनुशंसा करके और सेंट्रल को भेज दी गई है। 2 किलोमीटर का एरिया है, 6 पंचायतें हैं, वो विस्थापित नहीं हो रही हैं। बरसात के समय में यदि कोई बीमार हो जाए, किसी को शादी करनी पड़े तो महा दिक्कत आती है, वहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। यदि वो 2 किलोमीटर की स्वीकृति मिल जाएगी तो हरसा बगवाहा की रोड हमारी निर्मित हो जाएगी, वो सीधी रोड आपके अजयगढ़ को जोड़ देगी, और इसलिए वो वहाँ उस क्षेत्र की वो सबसे बड़ी मांग है। मैंने आपसे ज़्यादा समय लिया है, निश्चित रूप से मैंने ये गुस्ताखी की है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते यदि मैं मांग नहीं करता तो यही जनता हमसे कहती कि आपने कुछ मांगा ही नहीं, तो हम आप कैसे इच्छा करते हो कि मुख्यमंत्री जी देंगे। इसलिए मैंने आपसे मांग की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारे साथ दानी मुख्यमंत्री बैठे हैं, और इसलिए मुझे ये सब सौगातें दे के जाएंगे। यदि आप लोग हमारे साथ सहमत हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।